ओम शांति। मुरली का तारीख है 7/12/2020। मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसीलिए तुम बहुत बहुत सिकिलदे हो। प्रश्न, अपनी स्थिति को एकरस बनाने का साधन क्या है? उत्तर, सदा याद रखो जो समय पास हुआ ड्रामा कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है, इसीलिए अपनी स्थिति को एकरस बनाने के लिए फास्ट का चिंतन मत करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है। यहाँ भी बच्चे जानते हैं, सत्संग ढेर है। यह है सच्चा सच्चा सत का संग, जो सत बाप राजयोग सिखा कर हमको सतयुग में ले जाते हैं। ऐसे और कोई भी सत्संग वह पाठशाला नहीं हो सकती। यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो, सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाप पैठ समझाते हैं यहाँ सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसी को भी समझाओ तो चक्र के सामने कड़ा करो, अब तुम इस तरफ जाएंगी। बाप जीवात्माओं को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। या नई बात नहीं, जानते हो कल्प कल्प सुनते हैं और फिर से सुन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहदारी बाप टीचर गुरु नहीं है। तुम जानते हो विदेही शुबाबा हमारा टीचर गुरु है, और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बात नहीं करते होंगे। मधुबन तो यह एक ही है, वो फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं। वह भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैठ बनाए हैं। प्रैक्टिकल मधुबन तो यह है, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सत्युग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर कड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम बनने के लिए हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है। 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वहां भी तुम जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते कुछ नहीं। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। सत्युग में सतो प्रदान आत्माएं थी, शरीर भी सतो प्रदान थे। इस समय तो सत्युग नहीं है, यह है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्कर लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए। फिर से चक्कर जरूर लगाना है। अभी जाना है अपने घर। तुम सिकिलदे बच्चे हो ना, सिकिलदे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम बच्चे ही जानते हो या वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी फिर से बाप आकर हमसे मिले हैं। अभी फिर से बाप आकर मिले जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए यहाँ बाप रियलाइज कराते हैं। इसमें आत्मा के 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है। यह सब बाप पैठ समझाते हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए। तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वह यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। कोई तोड़ा समझेंगे, नंबर वार तो होते हैं ना। अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है। सब तो यह नहीं आकर बैठेंगे, रिफ्रेश होने वहां आएंगे। जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा, कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। यह ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा। सजा काकर
आ जाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती, याद की यात्रा बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे। या तो गड़ी गड़ी अपने को याद कराओ, कोई भी मनुष्य मिले पहले तो उनको या समझाना है अपने को आत्मा समझो, या नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं, किसको बुलाएंगे शरीर के नाम पर। इस संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं, तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है, बाप कहेंगे रूहानी बच्चे, पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं। रूहानी बच्चों तुम समझते हो रूहानी बाप क्या समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि जानती है शिव बाबा इस भगीरथ पर विराजमान है, हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं, और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आकर राजयोग सिखाए, वह बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, और कोई भी मनुष्य कभी ऐसे कह ना सके समझा ना सके। या भी तुम जानते हो या शिक्षा कोई इस बाप की नहीं, इनको तो या मालूम नहीं था कि कलयुग खत्म हो सत्युग आना है, इनका अब कोई देहदारी गुरु नहीं है, और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समाया, सबके देहदारी गुरु है, धर्म स्थापक भी देहदारी है। या धर्म किसने स्थापन किया, परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शुबाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया है, इनके शरीर का नाम ब्रह्मा है, क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने या धर्म स्थापन किया, वह तो देहदारी है चित्र भी है, इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे, शिव का ही दिखाएंगे। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं, है तो वह बिंदी ही, नाम रूप भी है परंतु अव्यक्त है, इन आंखों से नहीं देख सकते। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए हैं तब तो याद करते हैं ना, शिव बाबा कहते हैं मन मना बोल, मुझ एक को याद करो, किसी की स्तुति नहीं करनी है, आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद ना आए या अच्छी रीति समझने की बात है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं सारा दिन या रिपीट करते रहो, शिव भगवान वाच पहले पहले तो अल्फ ही समझना पड़े या पक्का नहीं किया, और बे बताई तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं, कोई कह देते या बात तो राइट है, कोई कहते ये समझने में तो टाइम चाहिए, कोई कहते विचार करेंगे, किसम किसम के आते हैं, यह है नई बात। परमपिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, विचार चलता है क्या करे, जो मनुष्यों को यह समझ में आ जाए। शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है, आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं, जिसको शरीर ही नहीं है ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है, तब तो उनको ज्ञान सागर कहते हैं। ऐसे ही क्यों कहेंगे, कोई बहुत पढ़ते हैं तो कह जाता है या तो बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, इसीलिए शास्त्री अर्थात विद्वान कह जाता है। बाप तो ज्ञान का सागर है, बाप को तो ज्ञान का सागर अथॉरिटी कह जाता है, जरूर होकर गए हैं, पहले तो पूछना चाहिए अभी कलयुग है या सत्युग, नई दुनिया है या पुरानी दुनिया, एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने कड़ा है या लक्ष्मी नारायण, अगर होते तो उन्होंने का राज्य होता या पुरानी दुनिया, कंगालपन ही नहीं होता, अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र है, मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, नहीं तो उनों के महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे, सिर्फ मंदिर में तोड़े ही रहते होंगे। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है, देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, बहुत जगह होगी, वहां डरने आदि की बात ही नहीं होती, सदैव फुलवाड़ी रहती है, कांटे होते ही नहीं, वहां है ही बगीचा,
वहां तो लकड़ियां आदि जलाते नहीं होंगे, लकड़ियों में धुआं होता है तो दुख फील होता है। वहां हम बहुत तोड़े टुकड़े में रहते हैं, पीछे रुद्धि को पाते जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती रहेगी, जंगल होगा ही नहीं। अभी फीलिंग आती है, देखते तो नहीं है तुम ध्यान में, बड़े बड़े महल आदि देख आते हो, वहां तो यहाँ बना नहीं सकते। साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा, साक्षात्कार किया तो है ना, राजाए प्रिंस प्रिंसेज होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक है, ऐसे वहां बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती हैं, पानी के झरने बहते रहते हैं। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीजें बनाए, आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना। तुम बच्चों को रियलाइज होता है क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे इस समय। या स्मृति रहती है, त्रेता को देखो तुम कितने खुश नसीब हो, वहां दुख की कोई बात नहीं होगी। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाना है। कैसे जाए, रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या? हम आत्माएं तो रहने वाली है शांति धाम की, बाप ने स्मृति दिलाई, अब तुम फिर देवता बन रहे हो और दूसरे को बना रहे हो। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं, बांदेलियों ने कभी देखा तोड़ेगी है, कैसे आत्मा को उछल आती है। अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी होती है, समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं। आखिरी एक दिन अखबारों में भी पड़ेगा, अभी तो स्तुति निंदा मान अपमान सब सामने आता है। जानते हैं कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन नहीं करना होता। अखबारों में कल्प पहले भी ऐसे पड़ा था, फिर पुरुषार्थ किया जाता है। हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया, नाम तो हो गया ना, फिर तुम रेस्पॉन्ड करते हो, कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते हैं, फुर्सत नहीं मिलती और कामों में लग जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है या बेहद का बड़ा ड्रामा है, टिक टिक चलती रहती है, चक्कर फिरता रहता है। एक सेकंड में जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा, जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है, या भूल हो गई ड्रामा में नूंद गया। कल्प पहले भी ऐसे ही भूल हुई थी, फास्ट हो गई, अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी, या भूल अच्छी नहीं है, या कर्म अच्छा नहीं है, दिल काती होगी हमसे, या खराब काम हुआ, बाप समझानी देते हैं ऐसे नहीं करो, किसी को दुख होगा, मना की जाती है, बाप बतला देते हैं या काम नहीं करना, बिगर पूछे चीज उठाया उसको चोरी कहा जाता है, ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है, कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वहां भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं, वहां तो शेर बकरी आपस में क्षीरकंड रहते हैं, लून पानी और क्षीरकंड। सत्युग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में क्षीरकंड रहती हैं, और इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लून पानी हैं, बाप बच्चा भी लून पानी। काम महाशत्रु है ना, काम कटारी चलाए, एक दो को दुख देते हैं, या सारी दुनिया लून पानी है, सत्युगी दुनिया क्षीरकंड है। इन बातों से दुनिया क्या जाने, मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं तो कोई बात बुद्धि में आ ना सके। जो देवता थे उनों की ही स्मृति में आता है, तुम जानते हो, या देवता सत्युग में थे, जिसने 84 जन्म लिए हैं वही फिर से आकर पड़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे, या बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है,
इनकी ब्रांचेस निकलती रहती हैं। खुदा जब आएगा तब उनके खिदमतकार बनेंगे, जिनके द्वारा खुद खुदा राजाई स्थापन करेंगे। तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतगार हैं, वहां जिस्मानी खिदमत करते हैं या रूहानी। बाबा हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही तमो प्रधान बन गई है, फिर बाबा सतो प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, या योग अग्नि है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है ना, आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा कहना ठीक है। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। वहां है शिवपुरी, वहां विष्णुपुरी या रावणपुरी। विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी। सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी है, या तो कॉमन बात है। आधा कल्प सत्युग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग। अभी तुम संगम पर हो, यहाँ भी सिर्फ तुम जानते हो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वह दूसरे को भी समझाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, या किसी की बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए, परंतु कलयुगी देह के संबंधी आदि याद आते रहते हैं। बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक बाप को। सर्व का सदगति दाता राजयोग सिखलाने वाला एक ही है, इसीलिए बाबा ने समझाया है। शिव बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को पलटते हैं। तुम ब्राह्मण ही जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। जो ब्राह्मण है उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, बहुत बहुत क्षीर कंड होकर रहना है। सेकंड पॉइंट, किसी भी देहदारी की स्तुति नहीं करनी है, बुद्धि में रहे। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है, रूहानी खिदमतगार बनना है। वरदान, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुणमूरत बवा। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसीलिए होली हंस बन, सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो, या गुणमाला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुणमाला को सिमरण करने से स्वयं भी गुणमूरत बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। अच्छा, ओम शांति।